जो अब मैं तुम्हें साधारण विद्युत परिपथ बताता हूँ। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, समांतर विद्युत परिपथ, श्रेणी विद्युत परिपथ। श्रेणी संयोजन में पहले बल्ब के दूसरे सिरे को अगले बल्ब के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, इसी तरह सभी सिरों को जोड़ दिया जाता है। बल्ब की संख्या बढ़ने पर शक्ति की अधिक खपत होने के कारण परिपथ में प्रत्येक बल्ब की चमक घट जाती है। जो यहाँ देखो, यदि एक बल्ब काम करना बंद करे तो संपूर्ण परिपथ भी काम करना बंद कर देगा। मैं परिपथ से अब एक बल्ब निकालता हूँ। तुम सही हो बॉब? हाँ जो, यहाँ श्रेणी संयोजन के कारण एक बल्ब के निकालने से पूरा परिपथ अपूर्ण हो जाता है। अब मैं तुम्हें समांतर संयोजन समझाऊंगा। समांतर संयोजन में इस तरह पहले और दूसरे सभी सिरों को एक कॉमन बिंदु पर जोड़ा जाता है। यहाँ सभी बल्बों में समान धारा बहती है, इसीलिए सभी बल्बों की चमक समान होती है, किंतु शक्ति का स्रोत छोटा होता है। अब परिपथ से एक बल्ब हटाओ और देखो कि क्या होता है। अरे, बाकी सारे बल्ब तो चमक रहे हैं। हाँ जो, चमक रहे हैं, क्योंकि इस परिपथ में जिस बल्ब को हटाया जाता है सिर्फ वही भाग काम करना बंद करता है, बाकी सब बल्ब लगातार चमकते रहते हैं। इसे समांतर संयोजन कहा जाता है। धन्यवाद बॉब, हमने बहुत अच्छा समय बिताया।